अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या हाल है भाई लोग, खैरियत से हैं? आज की डेट में, कल की डेट में जो हमारे बंदे पहुंचे हैं 1800, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। अगर मैं अपनी, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया था वीडियो नहीं डाले थे, मैं जिम्मेदार हूं, कुछ काम फंसे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, काम हो गए हैं और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। देखिए कितने बंदे अल्लाह का शुक्र है इस महीने में गए हुए हैं, सारी चीजें आप लोगों के साथ, आप लोग हमारे भाई हैं, आप लोगों के साथ सारी वीडियो हम शेयर कर देते हैं। आप लोग देखिए हमारा काम कैसा है, जेन्युइन है या नहीं है, इसी वजह से हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं बड़े भाई, ठीक है। और देखिए कौन गए हुए हैं, सलीम खान है, उसके बाद इब्राहिम है, और इब्राहिम की वीडियो आज अभी अपलोड करते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद देखिए उन्होंने क्या गलती की है, इब्राहिम और सलीम खान है, रियाज अहमद है, सारे लोग को डॉक्यूमेंट जितना है सब शेयर कर रहे हैं, और जो लड़के कंपनियों में गए हुए हैं उनकी भी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआ है, काम धाम रोजी तो देने वाला अल्लाह है, अब रिस्क मिनल्लाह, बस आप लोगों की दुआ है, काम धाम चल रहे हैं। और जो हमारे पास बंदे और जाना चाहते हैं, अभी हमारे पास तत्काल में काम पड़े हुए हैं, रिटर्न ड्राइवर के बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। अगर जो भी बंदे जाना चाहते हैं वेलकम है, आइए इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर काम करके देंगे। और इस महीने में रिटर्न आदमी, फ्रेश आदमी जो भी गए हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है सारे लोगों को वीडियो बनाए हैं और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोग देखिए वीडियो किस तरह से हमने बनाया है, यानी कितनी तनख्वाह में, किस आदमी को, नए में, पुराने में, फ्रेश में, जो भी है सारा एक एक डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के साथ, वीजा कॉपी, और उसके बाद जब उन्होंने बोर्डिंग किया है एयरपोर्ट पे, सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। आप देखिए काम अल्लाह का शुक्र है, जेन्युइन काम करके देते हैं, बेहतर से बेहतर काम करके देते हैं। अभी कुछ वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाते थे, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। काम असल में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ठीक ठाक था इसी जैसे अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हमने सोचा टाइम निकाल के, थोड़ा घर पे गांव में आए हुए हैं, तो हमने सोचा थोड़ा सा एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और देखिए कितने बंदे गए हुए हैं, कल की डेट में कितने बंदे पहुंचे हुए हैं सारे बंदों का, और कितने आदमी जाने वाले हैं। जो जाने वाले हैं उनका भी शेयर नहीं करेंगे, जब वो पहुँच जाएंगे, जब उनका बोर्डिंग हाथ में आ जाएगा तभी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वैसे अपना काम नहीं है कि वीज़ा लग गया उसके बाद उसको भेज दिए कि भैया हमने वीज़ा लगा दिया है, बंदा चला गया, ऐसा नहीं है। अपने पास जब तक बंदे का बोर्डिंग हाथ में ना आ जाए, और बोर्डिंग में मेंशन होगा कहां से बंदा कहां जा रहा है, ठीक है, दिल्ली टू रियाद जा रहा है, लखनऊ टू रियाद जा रहा है, मुंबई टू रियाद जा रहा है, सारी चीजें उसमें मेंशन होगी। ऐसा नहीं बस जबानी बात करेंगे, बोर्डिंग पास, बोर्डिंग जो होता है वो तो आप लोग देख सकते हैं ना, बोर्डिंग पास जो भी होता है कहीं का भी रहेगा, उसमें कोई भी घबलाबाजी कोई नहीं इंसान कर सकता, कितना भी बेहतर काम करेगा कैसा भी करेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो भी काम करके देते हैं बिल्कुल जेन्युइन काम करके देते हैं, ठीक है भाई लोग, बस दुआ में याद रखिएगा। और कोई भी काम के लिए सऊदी अरब में किसी भी काम के लिए आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9793070609, ये हमारा इंडिया का रेगुलर नंबर है, आप कभी भी किसी भी टाइम फोन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और सऊदी अरब का जो हमारा नंबर है 0555880365, ये हमारा सऊदी अरब का नंबर है, इस पर आईमो, व्हाट्सअप सब कुछ इसमें भी है, और किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए इंशाल्लाह ज़रूर करके देंगे। सऊदी अरब में मकतबे अमल से लेके खुरूज से लेके जो भी वहाँ पे प्रोसेस है इंशाल्लाह सारा कुछ करके देंगे। बस आप लोग कभी भी अपनी मर्जी से कभी भागे मत, नहीं काम करना आप लोगों को, आप लोग बैठ जाइए, दो दिन चार दिन पांच दिन में भेज देगा, लेकिन आप लोग अगर गलती करेंगे वो उसका खामियाजा आपको खुद भरना पड़ेगा। कफील ऐसे होते हैं आपको कुछ भी मतलब में डाल दिए, हरूफ में डाल दिए, कुछ भी कर दी भाई, वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई भी नहीं करेगा, समझ रहे ना। तो बेहतर यही है आप लोग खुद अपना एहतियात बरतें, काम नहीं करना है आप लोग चले जाइए, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी। कल रात में हमारे एक भाई ने कॉल किया कि बड़े भाई हम परेशान हैं, इस हमने कहा बड़े भाई आप कहीं भी मत जाइए, कफील उसको बोलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको ले जाके इलाज कराने के इंशाल्लाह। और जैसे अगर हमारी बात होगी दोबारा उस भाई से तो हम कफील से भी बात करेंगे उसके। वो बंदा हमें अल कसीम से फ़ोन किया यूट्यूब के ज़रिए, और अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की दुआ है, अभी हमारी यूट्यूब फैमिली जो है थोड़ा थोड़ा अप हो रही है,
और अल्लाह का शुक्र है यूट्यूब फैमिली से अभी हमारे जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी भी वीडियो हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। जैसे उनकी फ्लाइट हो जाएगी उसके बाद उनका जो है बोर्डिंग पास जैसे हाथ में आएगा और बोर्डिंग पास किस तरह हम आप सेंड करते हैं आप देखिए, ठीक है। वो अपने पास फालतू काम नहीं है, जेन्युइन काम बिल्कुल है। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो बेहतर से बेहतर काम करके देंगे। किसी को अगर कोई परेशानी होती है सऊदी अरब में या कोई कहीं पर भी हमारे जो वीजे पे जाते हैं हमारा एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। हमारा कफील का इस्तेमाल है इस वजह से हम वहाँ पे एग्रीमेंट बनाते हैं भाईजन, ठीक है। तो एग्रीमेंट बनाने का फायदा यह होता है अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई तो उसमें हम उसका अपना मतलब निकाल सकते हैं, उसको हम झेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो विदाउट एग्रीमेंट जाते हैं उनका लिए उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि उनका तो एग्रीमेंट नहीं है, वो क्या करेंगे। चले ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।